Hi guys, welcome back to my channel, Indian Blogger Poulomi. I hope कि आप सब लोग अच्छे हो, safe हो. Well guys, अभी यहाँ पर सुबह का time है नाइजीरिया में. अभी बस 10:40 बजाए. It's almost going to 11 soon. So अभी मैं चाय पी रही हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हो, black tea, English breakfast. तो अभी बहुत धूप है यहाँ पर. मैंने अभी बस clothes wash करने दे दिया है. राहुल अपना काम कर रहे हैं और बाकी मैंने अपना किचन के थोड़ा बहुत काम निपटा लिया है. अब थोड़ा कम, मतलब कुकिंग ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने कल दाल ज़्यादा करके बनाया रखा था. तो दाल है और चावल भी मैंने पहले से बना के रखा था, तो चावल भी है. तो बस ऑमलेट राहुल बना लेंगे. मैंने ब्रेकफास्ट में रोटी और आलू छोले भाजी बनाया था और अभी टी पी रहे हैं. और बताइए आप सब लोग कैसे हो और मैं आप लोगों को कैसा लगती हूँ ये ज़रूर बताना. मेरे ब्लॉग देखते रहना हर रोज़ और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को फटाक से नोटिफिकेशन आ जाए कि कब मैं कौन सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप जल्दी से देख पाए मेरा वीडियो. गाइस, मैंने सुना है कि हमारे इंडिया में लॉकडाउन बस 15 तारीख के बाद ही ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जब तक पूरा कोरोना वायरस ख़त्म ना हो, मतलब अभी भी बहुत जगह पर बढ़ रहा है तो अभी भी ठीक से मेडिसिन वगैरह नहीं निकला है, तो स्टे सेफ. कमेंट जब तक ना पूरा पूरी न्यूज़ यहाँ पर, मतलब एक मतलब चैनल पे न्यूज़ आए, मतलब टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, जब तक ना न्यूज़ आए कि ना अभी आप लोग घर से बाहर ज़्यादा निकल सकते हो, अभी नॉर्मल हो गया है सब कुछ और कोरोना वायरस ठीक हो रहा है, मेडिसिन निकल गया है, तब तक आप लोग स्टे सेफ. ट्राई टू बी एट होम एज मच एज यू कैन. मैं जानती हूँ कि बहुत दिक्कत हो रही है हर रोज़ घर में रहने का, आप लोगों का बहुत सारा काम होता है, लेकिन देखिए अभी तो कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि सिचुएशन इतना बिगड़ गया है, सिचुएशन ऐसा हो गया है. तो वी हैव टू स्टे एट होम एज मच वी कैन. सो स्टे एट होम जितना हो सके, ठीक है. हेलो गाइस, वेल अभी यहाँ पर 3 o'clock है, 3 PM इन नाइजीरिया. हम लोगों का भी लंच हो चुका है. तो अभी मैं थोड़ा बालकनी में आई हूँ. तो बहुत अच्छी हवा चल रही है तो थोड़ा सोचा कि आ जाती हूँ बालकनी में. आप देख सकते हो कि मेरे बाल भी अभी तक ड्राई नहीं हुए हैं नहाने की वजह से, तो इस हवा में ड्राई हो जाएगा. हेयर ड्रायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली नेचुरली ड्राई हो जाएगा. तो चलिए गाइस, आज जो मैं टॉपिक ले के आ रही हूँ आप लोगों के सामने वो है कि मैं लागोस के बारे में, जहाँ मैं रहती हूँ नाइजीरिया में, लागोस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी लोगों को पता है कि लागोस नाइजीरिया में है. मैं लागोस में रहती हूँ नाइजीरिया में. लागोस इज़ अ स्टेट इन नाइजीरिया, बहुत बड़ा स्टेट है. इसमें एक जगह है, सिटी है लेकी. मैं लेकी में रहती हूँ, ठीक है. लागोस स्टेट है, लेकी सिटी है. और नाइजीरिया बहुत ही बड़ा है. अबुजा के बारे में भी सुना होगा, अबुजा एक दूसरा सिटी है, लागोस लेकी दूसरे है, लेकिन ये सभी नाइजीरिया में ही है. तो मैं लागोस में रहती हूँ, लागोस लेकी में. तो चलिए आज मैं कुछ बताती हूँ लागोस के बारे में. और गाइस, आज मैं और एक टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, वो है कि यू नो हम सबको एक अच्छी, मतलब अच्छे जॉब का तलाश रहता है कि हम सबको एक अच्छा जॉब मिले. तो अच्छे जॉब के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, एक एम्प्लॉयर आप में क्या क्या स्किल्स ढूँढेगा ताकि आपको वो अच्छा जॉब आपको मिले. कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं एक जॉब के लिए, लेकिन क्यों आपको ही वो जॉब मिले, क्या क्या मतलब आपके गुण, आपके स्किल्स क्या है. तो आपको एक अच्छा जॉब पाने के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आएगा. आप लोगों को अगर और भी कुछ सजेशन किसी चीज़ में, मतलब जॉब के हिसाब से या एडुकेशनल के बाहर जाना है आप लोगों को कहीं MBA वगैरह पढ़ने के लिए आउट ऑफ योर कंट्री, यू कैन डिस्कस विथ मी, यू कैन मेल मी. और जॉब के बारे में और कुछ जानना हो तो आप लोग ऑब्वियसली यू आर वेलकम टू मेल मी.
तो चलिए अभी आज का ब्लॉग तो चल रहा है, स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग मी और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, जो न्यू हो मेरे चैनल पे प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और बाकी अभी तो दोपहर है तो चलते हैं, अपना ब्लॉग चालू रखते हैं, स्टे ट्यून्ड। लागोस इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ नाइजीरिया। Nigeria is widely known for its petroleum production. Lekki is a city in Lagos State, Nigeria. Guys, now I am going to share with you the basic skills required to get a good job. Stay tuned. Please do watch my video till end. अच्छा जॉब पाने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स की जरूरत पड़ती है। Strong work ethic. Self-confidence. Good communication skills. Problem solving skills. Positive attitude. Time management abilities. Acting as a team player. I hope दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।